हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों स्वागत है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने एक और सीरीज जीत ली है। वेस्टइंडीज को जो 5 मैचों की T20 सीरीज है, इसमें टीम इंडिया इस समय 3-1 से आगे है। चौथा T20 मैच फ्लोरिडा में खेला गया था, जिसे 59 रन से जो है रोहित शर्मा ने जीत लिया है। इसके साथ ही कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम भी किए हैं। विराट कोहली की बराबरी जो है रोहित शर्मा ने की है। दरअसल में रोहित शर्मा की ये बतौर कप्तान लगातार 9वीं सीरीज जीत है वाइड बॉल फॉर्मेट में। और दिलचस्प बात यह है कि विराट कोहली ने भी लगातार 9 सीरीज जीतने का कारनामा किया था। इसके अलावा बतौर मतलब शुरुआती के 35 T20 मैचों में सबसे ज़्यादा मुकाबले जिताने का भी रिकॉर्ड जो है रोहित शर्मा ने बना लिया है। अब तक 35 T20 मुकाबलों में उन्होंने टीम इंडिया को 29 मुकाबलों में जीत दिलाई है। और उन्होंने इस मामले में संयुक्त रूप से सरफराज अहमद की बराबरी कर ली है। सरफराज अहमद ने भी पाकिस्तान को शुरुआती के 35 T20 मुकाबलों में 29 मुकाबलों में जीत दिलाई थी। इसके अलावा वाइड बॉल फॉर्मेट में सबसे ज्यादा ओवरसीज में मैच जीतने का रिकॉर्ड भी अब रोहित शर्मा के नाम है। उन्होंने 102 मैच जो है ओवरसीज में जीते हैं, वाइड बॉल फॉर्मेट की मैं बात कर रहा हूं। और इससे पहले ये रिकॉर्ड MS धोनी के नाम था। उन्होंने 101 मुकाबलों में भारतीय टीम की जीत का हिस्सा रहे हैं। वहीं विराट कोहली 97 ओवरसीज मुकाबलों में टीम इंडिया का जीत का हिस्सा रहे हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो वो वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे ज्यादा रन कूटने वाले T20 फॉर्मेट में ओपनर बल्लेबाज बन गए हैं। 655 रन जो है रोहित शर्मा ने अब तक बनाए हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ। इसका मतलब है कि रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और ये साल जो है रोहित शर्मा ने रन भले ही कम बनाए हो T20 फॉर्मेट में, लेकिन स्ट्राइक रेट बढ़िया रहा है। 147 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। और ओवरऑल जो है अब T20I फॉर्मेट में रोहित शर्मा के 140 प्लस स्ट्राइक रेट भी हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। यानी कि रोहित शर्मा मैदान पर उतरते ही हैं और चौके छक्के लगाने का जोर से प्रयास करते भी हैं। और पिछले मैच में भी यही हुआ, 206 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी की और टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका भी निभाई। इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए स्पोर्ट्स चौक के साथ। मोहब्बत देते रहिए। धन्यवाद।